हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दूसरे दिन भी शराब की दुकानों पर उमड़ी भीड़। डीसीबी ने संभाली कमान। पुलिस ने डंडे के दम पर शराब उपभोक्ताओं को किया सीधा। लॉकडाउन फेज 3 के दूसरे दिन भी जोधपुर शहर में शराब की दुकानों पर भारी भीड़ रही। यहां आज सुबह ही शराब लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गईं। उनमें किसी तरह की सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखी। बाद में पुलिस दुकानों पर पहुंची और उन्हें सामाजिक दूरी बनाते हुए खड़ा किया। व्यवस्थाएं नहीं सुधरते देख पुलिस ने डंडे के दम पर इन शराब उपभोक्ताओं को सीधा किया। इस दौरान डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव भी वहां पहुंचे और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की समझाइश की। शहर के नॉन कंटेनमेंट जोन में सोमवार से लॉकडाउन में सीमित छूट दी गई थी। इस दौरान शराब की दुकानें भी खुली। लंबे अरसे से घरों में बैठे लोग शराब खरीदने के लिए आज भी निकल पड़े। आज दूसरे दिन भी शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लग गई। थोड़े देर में भीड़ बढ़ने पर अव्यवस्था हो गई। इस पर पुलिस ने डंडे भी फटकारे। सर्किट हाउस रोड और पांच पत्ती स्थित दुकानों के बाहर आज भी बहुत अधिक लोग एकत्रित हो गए। दुकानदार ने सभी को एक कतार में डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा। डीसीपी पूर्व धर्मेंद्र सिंह यादव भी वहां पहुंचे और लोगों को लाइन में खड़ा करवाया। कतार में खड़े लोगों का कहना था कि कई दिन के इंतजार के बाद दुकानें खुली हैं। ऐसे में वे लोग खरीदारी करने आ गए। शहर के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी शराब की दुकानों के बाहर कमोवेश ऐसे ही हालात दिखे। दुकानदार बार बार इन लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने और चेहरे पर मास्क या कपड़ा लगाने को कहते रहे, लेकिन शहरवासी जल्द से जल्द शराब लेकर जाने की जद्दोजहद में लगे रहे। बिल्कुल क्लियर है, कंटेनमेंट जोन के बाहर जो शॉप अलाउ किए गए हैं वहाँ एक समय पे 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर 5 या उससे अधिक व्यक्ति होगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, FIR होगा। ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं वो फॉलो करवाएगी पुलिस, सख्ती से करवाया जाएगा, इसमें कोई डिलाई नहीं होगी। अगर वो सूचना नहीं देते हैं शराब के ठेकेदार पुलिस को कि सर यहाँ 5 से ज़्यादा व्यक्ति हो चुके हैं, फिर उनकी भी जिम्मेदारी मानी जाएगी। शराब ठेकेदार को कुछ सूचना देना होगा कि यहाँ पे 5 से अधिक व्यक्ति इस समय खड़े हैं, कृपया इसे हटाएं। अगर वो सूचना नहीं देते हैं तो उनकी भी मंशा मानी जाएगी कि वो भी जानबूझकर सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है वो खराब कर रहे हैं। मैं जनता को यही कहना चाहूँगा कि संयम रखें, किसी भी समय 5 या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पे, कोई भी दुकान जो कि अलाउ किया गया है वहाँ पे एकत्रित नहीं हो। अगर एकत्रित होंगे तो आपके खिलाफ FIR होगा, आपका फ्यूचर खराब होगा और सख्त कार्रवाई होगी आपके खिलाफ। बता दें कि सरकार ने रविवार को एक आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर एक व्यक्ति के दूसरे से 6 फीट की दूरी रखने को कहा था। ऐसा नहीं करने वालों से ₹100 जुर्माना राशि वसूल का प्रावधान भी किया गया था, लेकिन अधिकांश दुकानों पर इस नियम की धज्जियां ही उड़ती नजर आईं। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।